हेलो मम्मी एंड डैडी नमस्ते। नेचर स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। आज का ये वीडियो मैं बहुत छोटा बनाने वाली हूँ क्योंकि जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ उस पर मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट किया था अपने चैनल पर, लेकिन लगता है लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। बच्चे के अचानक ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देने से संबंधित ये टॉपिक है और कुछ नॉर्मल बातें जो कि बच्चे में बैड हैबिट कहलाती हैं उसके विषय में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जिन पेरेंट्स को इस तरह की समस्याएं आती हैं उन्हें इनकी जानकारी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग न करने और अचानक से छोड़ देने, ये दोनों अलग अलग तरह की कंडीशन होती है। अगर बच्चा शुरू से ही दूध नहीं पीता है तो उसमें भी कई तरह की बातें होती हैं। मदर के ब्रेस्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम है, निप्पल छोटा है या फिर फुलावट है, ब्रेस्ट का निप्पल एकदम से टाइट है, तो इन सब टॉपिक पर मैंने वीडियो दिया है। आपको अगर ऐसी कोई समस्या है, आप न्यू हैं चैनल पर, तो आप चेकआउट करके उसे देखिए। इसके अलावा बच्चे में भी कभी कभी समस्याएँ होती हैं, जैसे बच्चे को दूध पीना नहीं आ रहा है, उसे आपको सिखाना पड़ेगा। और इसके अलावा बच्चे में गले की कोई प्रॉब्लम है या फिर टंग की कोई प्रॉब्लम है, तो इस टॉपिक पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया है। तो ऐसी कोई समस्या अगर है तो आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बच्चे का अचानक से दूध पीना छोड़ देना है। अचानक से दूध पीना छोड़ देना भी कई तरह का होता है। जैसे कुछ बच्चों को नज़र लग जाती है दूध पीते समय, कुछ मदर के ब्रेस्ट पर नज़र लग जाती है, तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो दिया है। कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं कभी कभी जो हमें नहीं पता होती हैं जिसकी वजह से बच्चा दूध पीना छोड़ता है, तो उसके लिए मुझे खास तौर से जो लोग कमेंट करते हैं मैं बताती हूँ। मैं वीडियो में सिर्फ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इन बातों पर किसी किसी को विश्वास होता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ होता है हिंदुस्तान में, तो इसलिए इस टॉपिक पर अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, अचानक से बच्चे ने दूध पीना छोड़ा है और आपने ये सब कुछ नज़र उतारना और ये सब कुछ करके देख लिया है, गले में जो नस होती है वो कभी कभी इधर उधर हो जाती है तो इससे भी बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो दिया है, तो आप उसे भी देख लीजिए। ये सब करने के बाद में भी अगर बच्चा नहीं दूध पी रहा है तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकती हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल पर वीडियोस में है। अब जो अचानक से दूध पीना छोड़ दे रहा है बच्चा, इसी टॉपिक पर मैं इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रही हूँ वो है बच्चे के वैक्सीनेशन के टाइम। क्योंकि मुझे ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि बच्चे ने दूध पीना छोड़ा और मैंने ये सारे जो वीडियोस थे मेरे बच्चे के दूध पीने के छोड़ने से संबंधित उन्हें शेयर किया, यानी कई लोगों के ऐसे कमेंट आए, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को तैयार कर रही हूँ। एक दो लोगों को तो मैं फ़ोन पर भी गाइड कर देती हूँ। अचानक से अगर वैक्सीनेशन के समय बच्चा दूध पीना छोड़ता है तो आप ये सब प्रोसेस जो वीडियोस में मैंने बताए हैं नज़र उतारने से संबंधित, ये सब प्रोसेस आपको नहीं करना है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि जिस समय बच्चे का वैक्सीनेशन होता है उसके बाद अचानक से बच्चा दूध पीना छोड़ता है तो बच्चे की जो बॉडी के अंदर के पार्ट होते हैं, जो दवाई उसके शरीर में गई है, उससे उस पार्ट के ऊपर कोई ऐसा असर होता है। क्योंकि एक दो लोगों को जब मैंने बताया तो उन्होंने जाकर के डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने एक स्पेशल चेकअप किया, उसका नाम मुझे इसमें ध्यान नहीं है, और उसके बाद में पता चला कि बच्चे की अतड़ी में दवाई की वजह से तकलीफ हो गई थी। नसों में ये चीज़ें जाती हैं दवाइयाँ, लेकिन फिर भी अब कैसे बच्चे के मतलब बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट किया वो मुझे नहीं पता है। और उन्होंने जो मतलब बच्चे के चेकअप के लिए जो प्रोसेस अपनाया था वो भी मुझे पूरी तरह से नहीं पता है। तो फिलहाल आपको अगर वैक्सीनेशन के बाद में बच्चे को इस तरह की समस्या आती है, बच्चा अचानक से दूध पीना छोड़ देता है, उसके बाद बिल्कुल आपका दूध नहीं पी रहा है, एक दो दिन आप वेट करिए। क्योंकि उस समय बच्चे को दर्द होता रहता है, जहाँ पर टीका लगा रहता है वहाँ पर दर्द होने की वजह से बच्चा दूध नहीं पीता है, या फिर बच्चे को बुखार आ जाता है उसकी वजह से भी बच्चा दूध नहीं पीता है। लेकिन अगर लगातार नहीं पी रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर बच्चा उसके बाद में मतलब वैक्सीनेशन के बाद में दो चार दिन पीता है और उसके बाद में फिर से छोड़ देता है, यानी दो चार दिन पीने के बाद में बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, तो भी आपको डॉक्टर के ही पास जाना है। आपको नज़र उतारने जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि दवाई का असर ज़रूरी नहीं है कि तुरंत उस चीज़ को डैमेज कर दे, यानी बॉडी पार्ट्स को डैमेज तुरंत कर दे, ऐसा नहीं होता है।
इसलिए अगर बच्चे को बुखार आया है, आप बुखार के लिए डॉक्टर के पास लेकर के गई हैं, या बच्चे को ऐसी किसी तरह की कोई बीमारी हुई है और आप उसके लिए डॉक्टर के पास लेकर के गई हैं और डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी है और एक दो दिन बच्चा दूध पीता है, उसके बाद में अचानक से दूध पीना छोड़ दे रहा है, तो आपको डॉक्टर के ही पास जाना है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई मेडिसिन की वजह से कभी कभी बच्चा नहीं पी पाता है या बच्चे को दूध से प्रॉब्लम होती है। अब कुछ बैड हैबिट्स मैं यहाँ पर आपको बच्चों की बता दे रही हूँ, जिसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं देना चाहती हूँ। बच्चा कभी कभी उंगली मुंह में डालता है, या फिर टीथिंग प्रोसेस जब बच्चे का शुरू होता है उसमें बच्चा उंगली मुंह में डालता है, और तभी निकालना उतना उचित भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे को अगर हम उंगली निकालने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है अपने सामने, तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोए और उससे दांत में दर्द होता रहता है, मसूड़ों में सूजन रहती है, तो हमें भी लगता है कि चलो ये उंगली चबाते हुए अगर शांत बैठा है तो शांत रहने दो। तो ये प्रक्रिया जो है, अगर बच्चा उसके बाद में भी, यानी उनके टीथ प्रॉपरली आ चुके हैं, उसके बाद भी बच्चे को हैबिट होती जा रही है, बच्चा उंगली बार बार मुंह में डालता है, तो शुरू में ही आप ध्यान दीजिए और बच्चे की उंगली को बार बार आप निकालिए, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने मेरे बेटे को भी नोटिस किया था, वो उंगली तो नहीं मुंह में डालता था लेकिन जीभ अक्सर वो निकाल लेता था, कोई भी काम वो सीरियसली करने बैठता था, उसकी जीभ बाहर आ जाती थी, फिर वो अंदर नहीं लेता था, तो मैं उसे इस तरह से ऐसे करती थी, धीरे से प्यार से आपको समझाना है इस तरह से करके कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, गंदी बात। तो बच्चा धीरे धीरे कुछ दिनों तक आप ऐसा करेंगे तो उसकी ये जो आदत बन चुकी है वो छूट जाएगी, चाहे बच्चा अंगूठा मुंह में डाल रहा हो, चाहे बच्चा उंगली मुंह में डाल रहा हो, चाहे बच्चा जीभ निकाल रहा हो, ये सब बैड हैबिट है, और इस चीज़ की अगर आदत हो जाती है तो बाद में बच्चे के लिए ही समस्या खड़ी हो जाती है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें किसी भी काम को करने में दिलचस्पी उतनी नहीं होती, उनका ध्यान बार बार उसी चीज़ पर जाता है। इसलिए इस चीज़ को शुरू में ही आप रोकिए, ये अलग बात है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और बार बार उसे समझाना पड़ता है, बार बार उसकी उंगली मुंह में से निकालना पड़ता है, आप करिए, क्योंकि बाद में उससे भी समस्या खड़ी होगी और आपके लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए बार बार निकालिए और उसे इस तरह से करके उसे प्यार से समझाइए भी, बेटा एक गलत बात है, अच्छी बात नहीं, इसे बीमारी होती है, तो बच्चा समझ जाएगा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे कि जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, या फिर लोग की सोच जो होती है वो थोड़ी ओल्ड होती है, उन्हें लगता है कि डायपर नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि डायपर से बच्चे को रैश हो जाता है। ठीक है, डायपर से रैश होता है, अच्छी बात है, आप मत पहनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे को निकर पहना करके रखिए, यानी कि जो छोटे छोटे निकर्स आते हैं वो पहना करके रखिए, पायजामे आते हैं कॉटन के वो पहना करके रखिए, या फिर लंगोट पहना करके रखिए, क्योंकि बच्चे को हमेशा खुला रखने पर, ख़ासतौर से जो बेबी गर्ल होती हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ लोगों की नज़र घर में भी बुरी होती है, लेकिन बाहर से भी लोग आते जाते हैं, कभी भी कोई अचानक आ जाता है, कोई लेता है, तो ये आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बच्चे को हमेशा, चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसा भी करते हैं कि प्राइवेट पार्ट के साइड में हाथ लेके जाते हैं और प्राइवेट पार्ट को हाथ से टच करते हैं, तो ये आदत भी जो होती है, अगर बच्चा उस चीज़ को छूता है, क्योंकि ये भी बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं कि अगर बच्चा प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाता है तो उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो आप उसे निकर पहना करके रखिए, अगर आप डायपर नहीं पहनाना चाहती हैं निकर पहना करके रखिए, तो इससे भी बच्चा बार बार प्राइवेट पार्ट को हाथ नहीं लगाएगा, और जो कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चा बीमार होता है, ये समस्या भी नहीं होगी, और ये जो आदत हो जाती है बच्चे को, इससे भी आपको परेशानी नहीं होगी। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।